Hello everyone, today we will discuss GPS number 8 of kinematics, and the questions which I'll discuss today are 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, and 21. So these many questions we'll discuss in DPS number 8. Okay, so let's start with the third question. A particle starting from rest moves with constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed of 18 km per hour, you need to find the average velocity and the distance traveled. So a particle starting from rest means initial velocity 0, moves with constant acceleration. If it takes 5 seconds, t is given to be 5 seconds, to reach the speed of 18 km per hour. Final speed is given to be 18 km per hour. So, isko meter per second mein pehle hum convert kar lenge. It will be equal to 18 into 1000 divided by 3600 meter per second. ठीक है, 5, इट कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड. सो यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम. सो फर्स्ट वील कैलकुलेट द डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू कितना दे रखा है? 0. सो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, that is 25. We need to calculate A. V is equal to U plus AT. V is given to be how much? 5. This is equal to 0 plus A into 5. So A is equal to 1 meter per second square. So S will be how much? Half A into T square, 25. That is 12.5 meter. So distance covered will be 12.5 meter, and average velocity will be how much? Average velocity is total total displacement, that is 12.5 divided by total time taken. Total time taken is 5 seconds. So it comes out to be 2.5 meter per second. 2.5 meter per second. Okay. Next is question number 5. Complete the following table. First we'll do for car model A. Deacceleration on hard braking is 6 meter per second square. Deacceleration means acceleration will be how much? Minus 6 meter per second square. And for driver X, driver X ka reaction time de rakha hai. Driver X रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है? आर टी इज रिएक्शन टाइम, इट इज गिवन टू बी 0.20 सेकेंड. इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर. 54 किलोमीटर पर आवर, विच इज 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो कम्स आउट टू बी 15 meter per second. Initial velocity 15 meter per second, reaction time 0.2 second. So you need to find the braking distance and total stopping distance. Reaction time kya hota hai? Ki jab driver ko pata chalta hai ki usse brake lagana hai, us interval se leke jab usse pata chalta hai usse brake lagana hai, और जब वो ब्रेक फाइनली लगा देता है, उस बीच का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज रिएक्शन टाइम. ठीक है, सपोज ड्राइवर ने देखा कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है और उसे ब्रेक लगाना है, तो उसने देख लिया और फिर उसके बाद वो ब्रेक लगाता है. तो जब उसने देखा और तब जब उसने ब्रेक लगाया, उन दोनों एक्टिविटी के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम पे
वो सेम स्पीड से ही चलेगा। तो पहला हमें पूछ रहा है क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस मीन्स जिस डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस में उसने ब्रेक लगा रखा है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज गिवन टू बी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू नीड टू कैलकुलेट ब्रेकिंग डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, सो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। वी स्क्वायर इज जीरो माइनस यू स्क्वायर, -15 × 15 / 2 × 6। सो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 19 मीटर। 19 मीटर उसका क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस। नाउ टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? उसका रिएक्शन टाइम, उसका रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस में देर विल बी डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम प्लस डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग अप्लाइंग द ब्रेक्स, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, वट एवर, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ओके, सो जब उसका रिएक्शन टाइम होगा उस टाइम डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा? सपोज उसे डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक वो तो कितना था? 19 मीटर था, ठीक है, 19 मीटर। जितना टाइम उसे, उसका रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है? 0.2 सेकेंड। रिएक्शन टाइम इज गिवन टू बी 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड के बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, इसका मतलब 0.2 सेकेंड तक वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 15 मीटर पर सेकेंड। इतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है, तो उतनी देर में उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 0.2 × 15 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज 19 मीटर + 3 मीटर, राइट, 3 मीटर, इट कम्स आउट टू बी 21 मीटर। सो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 21 मीटर एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 19 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज फॉर ड्राइवर वाई। फॉर ड्राइवर वाई रिएक्शन टाइम इज गिवन टू बी हाउ मच? 0.3 सेकेंड। कार मॉडल अभी ए ही है जिसका एक्सेलरेशन कितना है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो इट्स स्पीड इज गिवन टू बी, इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो कन्वर्ट कर लेंगे 72 × 1000 / 3600, सो इट विल कम आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। एंड इट्स एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू नीड टू कैलकुलेट टोटल ब्रेकिंग, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, एक्सेलरेशन इज गिवन, सो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। वी स्क्वायर इज जीरो माइनस यू स्क्वायर, -20 × 20 / 2a, दैट इज 2 × 6। सो दिस विल कम आउट, दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 33 मीटर, ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस। नाउ स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी हाउ मच? स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी रिएक्शन टाइम इंटू इनिशियल स्पीड, दैट इज 20 × 0.36 + 33 मीटर, 39 मीटर विल बी द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, फॉर कार मॉडल बी एक्सेलरेशन इज गिवन टू बी -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन, सॉरी 7.5, -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन ऑफ -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फॉर ड्राइवर एक्स,
स्पीड इज गिवन टू बी 54 किलोमीटर पर आवर विच कम्स आउट टू बी 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600. सो इट इज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन -7, फाइनल वेलोसिटी 0. सो एस विल बी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2a. ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी -15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, दैट इज 7.5. माइनस यहाँ पे भी नीचे 6 के साथ माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल. 7.5 कितना हो जाएगा ये, दिस कम्स आउट टू बी 15 मीटर. ओके, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी बी पार्ट द वैल्यू ऑफ एफ. स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 15 प्लस रिएक्शन टाइम इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 15 इंटू रिएक्शन टाइम वॉज गिवन टू बी हाउ मच, 0.2, दैट इज 18 मीटर. ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर ड्राइवर वाई, सेम कार बी मॉडल. एक्सेलरेशन -7.5 meter per second square. स्पीड इज गिवन टू बी 72 किलोमीटर पर आवर. इनिशियल स्पीड इज गिवन टू बी 72 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्विवेलेंट टू 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, रिएक्शन टाइम, सॉरी फाइनल वेलोसिटी इज 0. सो एस विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a. दिस इज -20 × 20 डिवाइडेड बाय -2 × 7.5. दिस कम्स आउट टू बी 27 मीटर. ओके, 27 मीटर. एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 27 प्लस रिएक्शन टाइम. इसका रिएक्शन टाइम कितना है, 0.3 इंटू इट्स इनिशियल वेलोसिटी 20. सो दिस इज 27 प्लस 6, 33 मीटर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक. द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक. एज्यूमिंग दैट दे ट्रैवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड्स, हाउ फार फ्रॉम द रनिंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक. ठीक है, सपोज ये टर्निंग है, ठीक है, इस टर्निंग से कल्प्रिट की बाइक निकलती है विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से कल्प्रिट की बाइक निकलती है. जब इसे निकलने के बाद 10 सेकेंड्स हो जाते हैं, इसके निकलने के 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड पुलिस की जीप यहां से निकलती है विथ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. तो वी नीड टू टेल कि ये कब उसे चेस कर पाएगी. तो 10 सेकेंड के बाद जब ये निकलने वाली होती है यहाँ से, जब ये यहाँ से निकलती है, उस टाइम पे ये कितनी दूर जा चुका होता है, कितना डिस्टेंस ये ऑलरेडी कवर कर चुका होता है, दिस मच डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ये ऑलरेडी कवर कर चुका होता है. सपोज ये एक्स डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ये ऑलरेडी कवर कर चुका होता है. ठीक है, वी नीड टू टेल हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक. सपोज यहाँ पे कहीं जाके जीप इस बाइक को कैच करती है, यहाँ पे कहीं जाके, तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज ये जो डिस्टेंस है दिस इज वाई, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज सपोज जेड,
So from the equation, x will be equal to how much? x will be equal to 72 किलोमीटर पर आवर, उसको पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में. तो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड तक वो जा रही है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10, दैट इज 200 मीटर. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 मीटर. ये टाइम t है सपोज, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम t लगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 t के बराबर हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही इसकी स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर. z विल बी इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड, कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी? सपोज t टाइम लगा, यहाँ से यहाँ आने में उसको भी t टाइम लगेगा, तब जाके वो कैच कर रही है जितना उसको यहाँ से वहाँ लग रहा है. तो दिस विल बी इक्वल टू 25t. ठीक है, सो फ्रॉम द फिगर वी कैन क्लियरली सी दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड. x कितना है? 200 प्लस y इज 20t. दिस इज इक्वल टू z 25t. सो t इज हाउ मच? 200 डिवाइडेड बाय 5, राइट? 200 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 40 सेकेंड्स. T will be equal to 40 seconds. So we need to calculate the distance 25t. ये वाला distance calculate करना है, तो z कितना हो जाएगा? 25 into 40, that is equal to 1000 meter. 1000 meter मतलब कि 1 kilometer. ठीक है, ये distance हो जाएगा 1 kilometer. Okay. So next is question number 7. A car travelling at 60 km per hour overtake another car travelling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total distance used for the overtake. So, velocity of car A is given to be 60 km per hour. Velocity of car B 42 km per hour and length is given to be 5 meter. Okay, ये car A है जो 60 km per hour से travel कर रही है. ठीक है, ये car B को overtake करना start करती है. This is also 5 meter long and this is also 5 meter long. ये कार बी को ओवरटेक करना स्टार्ट करती है, कार बी को ओवरटेक करना स्टार्ट करती है विच इज ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो वी नीड टू कैलकुलेट कि ये कितनी देर में इसे ओवरटेक कर लेगी. ठीक है, तो अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये 42 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कार बी है, दिस इज कार बी एंड दिस इज कार ए. वील कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी. वील एज्यूम कार बी एट रेस्ट. कार बी को हम रेस्ट में एज्यूम करेंगे तो -42 किलोमीटर पर आवर पीछे की तरफ ऐड करेंगे, तो इसमें भी पीछे की तरफ ऐड होगा 42 किलोमीटर पर आवर. तो दिस कम्स आउट टू बी 18 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो ये सिचुएशन कैसी हो जाती है? अब हम इसके बी के रेफरेंस फ्रेम में जाके देख रहे हैं, तो ये कार ए है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, और ये कार बी है जो कि रेस्ट में है, क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है इसकी. ठीक है, तो दिस इज कार बी एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर लॉन्ग, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर लॉन्ग. अब इसे ये इसे ओवरटेक कब कर पाएगी?
ये इसे इस जब इसे इसको ओवरटेक करना है, ठीक है, ये ओवरटेक कब कर पाएगी, जब इसका जो एंड पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाए, तभी ओवरटेक कर पाएगी। इन दैट केस इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 दैट इज 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, 10 मीटर, डिस्टेंस इज 10 मीटर। सो एंड स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू 18 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सॉरी टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 10 मीटर और स्पीड है 5, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 / 5, दिस इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो इट विल टेक 2 सेकेंड टू ओवरटेक द सेकेंड कार। ओके, द सिक्स सेकेंड पॉइंट इज द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, ओवरटेक के टाइम टोटल कितना डिस्टेंस यूज किया गया। तो देखो ये कार ए है, ठीक है, और ये कार बी है, इन्होंने यहां से ओवरटेक करना स्टार्ट किया, कार ए ने यहां से कार बी को ओवरटेक करना स्टार्ट किया। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जाके वो ओवर, जब कार बी यहाँ पहुंची, कार ए यहाँ पहुंच गई, तो इतने डिस्टेंस के बाद ओवरटेक कर पाई, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी, ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। तो ये डिस्टेंस हमें पता है, इतना डिस्टेंस तो 5 है और इतना डिस्टेंस भी 5 है, ठीक है। अब हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओवरटेक के लिए टाइम कितना लगा, ओवरटेक करने के लिए टाइम क्या लगा, 2 सेकेंड। उस 2 सेकेंड में बी कार की वेलोसिटी कितनी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 42 किलोमीटर पर आवर। तो 42 किलोमीटर पर आवर मतलब 42 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द कार रिलेटिव टू द ग्राउंड, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम, राइट, स्पीड इंटू टाइम इंटू 2 सेकेंड्स। सो दिस कम्स आउट टू बी 28 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, 28 मीटर। तो ये डिस्टेंस इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, 28 मीटर, ठीक है। एक्चुअली इसका ये वाला जो पॉइंट है, 28 मीटर, तो ये पूरा डिस्टेंस है, इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 23 मीटर, 23 मीटर, और ये 5 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 23 मीटर डिस्टेंस लगा, सॉरी 2 सेकेंड लगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 23 मीटर, और ये इस कार की लेंथ को हमने ऐड कर दिया 5 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 5 + 5 + 5 + 23 दैट इज इक्वल टू 38 मीटर, ये 23 होता है, 23 मीटर, ये पूरा आ जाएगा कितना, 38 मीटर। ओके,